इंडियन बर्ड फोटोग्राफी सोसाइटी द्वारा SSLND महिला कॉलेज में मंगलवार को पक्षियों पर स्लाइड शो और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के तौर पर विनोद विहारी महतो, कोयलांचली यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर सुखदेव भोई, SSLND महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शर्मिला रानी, IBPS के संस्थापक AK सहाय, संरक्षक डॉक्टर मनीष कुमार विश्वकर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बर्ड AK सहाय ने अपने द्वारा खींचे गए तस्वीरों के स्लाइड शो प्रदर्शित किए और पंछियों के बारे में जानकारी भी दी। बाद में पक्षियों से जुड़े सवाल देने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः प्रथम शिरोमणि कुमारी, द्वितीय आयशा मुखर्जी और तृतीय सौम्या दिनकर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर प्रिया आराध्या इक्का और IBPS के जोयदीप गोराई, प्रवीण सेन, अंकुश प्रसाद ने कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य योगदान दिया। तो नेचर अवेयरनेस पर एक संगोष्ठी आयोजन हुई, जिसमें AK सहा और डॉक्टर मनीष बाहर से आए, और इसका प्रोग्राम का उस क्रोधा डॉक्टर रानी ने आयोजन की। बड़ा सुंदर आयोजन है। आज के लोग प्रकृति को छोड़कर ऐसे एक आधुनिक जीवन पर में वो चीज का गमन कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पशु पक्षी का संख्या कम हो रहे हैं, तो नेचर में का प्रति जो भाव है, प्रकृति रक्षा कर द्वारा से हमारा भी रक्षा होगा, ये भाव को पुनर्जीवित करने के लिए इस योजना का एक उद्देश्य है कि वो नेचर को जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, नेचर का परिणाम भयावह होगा। जैसे तुर्की में अभी भूकंप आई है, उसी प्रकार के हम के अपने जो विशेष करके बाढ़ को लेकर के चर्चा हुई, जो बाढ़ भारतवर्ष में धीरे संख्या कम होने लगे, कारण क्या है समझने के लिए प्रयास किया गया है। इसी प्रकार के बाढ़ संख्या न कम हो, वो प्रकृति का देन है, सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसी विषय को लेकर बड़ा चर्चा हुई। विद्यार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए करना चाहिए। हमारा तो विद्यार्थी संपत्ति हैं, उनको जितना हम शिक्षा देंगे वो शिक्षित होकर को अपने शिक्षा को फैलाएंगे। इसीलिए आज का जो विषय उद्देश्य है, बच्चे का नेचर के बारे में समझे और ने समझे क्या कर्तव्य है, उनके भविष्य में क्या कर्तव्य कर सके, उसकी बड़े ये उद्देश्य है छात्र समझाना और शिक्षा को प्रसारित करना, इन उद्देश्य है। धन्यवाद। विश्वकर्मा है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ और धनबाद में नेचर अवेयरनेस पे काम करता हूँ। तो बेसिकली आज हम लोग SSLND महिला कॉलेज आए हुए हैं, एक हमारा यहाँ पे एक दिवसीय नेचर अवेयरनेस का टॉक था, जिसमें मिस्टर AK साहेब भी आए थे, यहाँ के वाइस चांसलर आए थे, प्रिंसिपल मैडम थी। तो इसमें हमने बेसिकली स्टूडेंट्स को नेचर के बारे में बताया, उनके आसपास जो इन्वायरमेंट है, बर्ड्स और एनिमल्स जो धनबाद और इनके आसपास मिलते हैं उनके बारे में बताया, माइग्रेटरी बर्ड्स जो बाहर से विदेश से आते हैं, विंटर में स्पेशली यहाँ रहते हैं, उनके बारे में बताया, और ये भी बताया कि किस तरह से हमें अपना लाइफ जो है वो इन्वायरमेंट के अनुरूप बनाना है, किस तरह से हम इन्वायरमेंट को हमेशा मन में रखते हुए ही हम अपना लाइफ जिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेस्ट नहीं करना है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। तो ये मैसेज हम बच्चों में इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि यही हमारे फ्यूचर है और आगे चल के इनके ऊपर ही सारा कंजर्वेशन एफर्ट्स डिपेंड करता है। तो इनको मोटिवेट करने के लिए हमने इनको धनबाद के आसपास कुछ लिए हुए फोटोग्राफ्स जिनमें बर्ड्स और एनिमल्स हैं उनको दिखाए। ये फोटोग्राफ्स हमारा एक टीम है धनबाद बर्डर्स के नाम पे। तो इसमें हम लोग करीब 15 मेंबर्स हैं, सारे फोटोग्राफर्स हैं। हम लोग एवरी डे तो नहीं, हर 2-3 दिन पे सुबह सुबह जाते हैं अलग अलग जगहों पे। धनबाद में काफ़ी सारे सुंदर जगह हैं जहाँ पे बर्ड्स मिलते हैं, हम जाते हैं, वहाँ फोटोग्राफ्स लेते हैं और वो फोटोग्राफ्स को हम लोग कंपाइल करके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? बेसिकली नेचर अवेयरनेस, बच्चों को नेचर के बारे में अवगत कराना और उनको मोटिवेट करना कि किस तरह से हेल्दी लाइफस्टाइल जिया जाए।